डेरिवेटिव ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो सपोज y इक्वल टू mod x, वी हैव टू फाइंड डेरिवेटिव ऑफ y इक्वल टू mod x। तो इसके लिए क्या बोले मैंने, जैसे मॉडुलस फंक्शन mod x इज ऑलवेज पॉजिटिव, mod x इज 2dx ना, इस चीज को आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं रूट ऑफ x स्क्वायर। रूट ऑफ x स्क्वायर बोलो क्या होगी, ऑलवेज पॉजिटिव, x में x होगा, ठीक है। इस तरह से mod x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, x स्क्वायर रेज टू पावर हाफ लिख सकते हैं। जो ओपन करिएगा स्क्वायर का मतलब हाफ पावर, जब इसको ओपन करिएगा तो 2 इनटू 1 बाय 2 1 हो जाएगा, है ना, ये चीज है। अब इसका मॉड, इसका मॉडुलस निकालना है, इसका मतलब मुझे जो x स्क्वायर रेज टू पावर हाफ का मॉडुलस निकालना है, तो सॉरी डेरिवेटिव निकालना है। तो d बाय dx का मॉडुलस x इक्वल टू हो जाएगा d बाय dt, t डिवाइड के एक्स स्क्वायर को हमने टी मान लिया, एक्स स्क्वायर क्या मान लिया टी, ठीक है, टी को भी एक्स स्क्वायर हम सपोर्ट कर लेते हैं, है ना। तो ये जगह डिवाइड डी एक्स डिवाइड डी टी आप टी रेट फोर हाफ, इस चीज को आपने टी मान लिया, ब्रैकेट की चीज को, यहाँ पर क्या बचेगा, हाफ पावर बचेगा, यहाँ पर टी आ गया, ब्रैकेट के अंदर टी आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर टी है, यहाँ हमने टी कर दिया जबकि यहाँ डी एक्स था ना, अब dt से हमने डिवाइड कर दिया, तो बैलेंस करने के लिए dt से मल्टीप्लाई कर देना, और dx यहाँ पर आपका ऑलरेडी है, ये dx है, ठीक। आप देखिए इसमें इंडेक्स वैल्यू लगा दीजिए, तो इसमें क्या होगा, पावर पहले हो जाएगा और एक पावर लेस हो जाएगी, है ना, ठीक है। अब d बाई डी एक्स आप t, t की वैल्यू बैक कर दीजिए, तो t की वैल्यू क्या है, x स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा 1 बाई 2 t रेज टू पावर माइनस 1 बाई 2, और ये हो जाएगा आपका 2x, क्या हो जाएगा 2x, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा x अपॉन t रेज टू पावर हाफ, t रेज टू पावर हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा x अपॉन रूट ऑफ t, रूट ऑफ t हो जाएगा। अब t वैल्यू वापस कर लीजिए, तो d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड x इज इक्वल टू x अपॉन रूट ऑफ, x अपॉन रूट ऑफ x स्क्वायर, ठीक है। और रूट ऑफ x स्क्वायर क्या होता है, रूट ऑफ x स्क्वायर आपने मॉड x के बराबर है, रूट ऑफ एक्स स्क्वायर की वैल्यू क्या मॉड एक्स है, यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, मॉड एक्स लिख सकते हैं। इस तरह से नेट रिजल्ट क्या मिला बताओ, डी बाई डी एक्स ऑफ मॉड एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन, एक्स अपॉन मॉड एक्स, एक्स अपॉन मॉड एक्स, ये आपका फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो मॉड के अंदर जो फंक्शन होगा ऊपर हो जाएगा, और वो उस फंक्शन का मॉड नीचे हो जाएगा, ये रिजल्ट मिल गया ना, ठीक है। अब इसी के पहले जो है, आप इसी के पहले क्या कहते हैं, 13 का फर्स्ट पार्ट निकाल लगाते हैं, 13 फर्स्ट, हाँ देखिए y इक्वल टू क्या है, मॉड x स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। इस चीज को आप लिख सकते हैं x स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर और रेज टू पावर हाफ, रेज टू पावर क्या होगा, हाफ होगा, है ना। तो डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए इसके कारण तो जो है जो मार्ट के अंदर है ऊपर हो जाएगा और मार्ट फंक्शन नीचे हो जाएगा, लेकिन जो टेंशन यहाँ लगाया मैंने, जो सब डिस्ट्रिक्शन यहाँ की टेंशन लगाया है, वही टेंशन यहाँ पे लगाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इसको डी वाई डी टी टी स्क्वायर, पूरी चीज को टी लेने वाले, तो टी टी स्क्वायर हो जाएगा, नहीं टी रेट फोर हाफ हो जाएगा, क्या हो जाएगा टी रेट फोर हाफ, और डी वाई डी एक्स ऑफ टी, तो टी की वैल्यू हमने क्या लिया है, टी को हमने लिया एक्स स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर, ये चीज हमने टी लिया। अब इसे जो है फॉर्मूला लगाए तो 1 बाई 2 हो जाएगा, और टी 1 बाई 2 माइनस 1, और ठीक है डी बाई डी एक्स ऑफ टी, टी को लोग क्या है एक्स स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर, चल जाएगा 1 बाई 2 टी रेट फोर माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अब डी बाई डी यू, डी बाई डी यू यू स्क्वायर डी यू बाई डी एक्स, ठीक है, चल जाएगा आपका 1 बाई 2 टी रेट फोर माइनस 1 बाई 2 इंटू 2 यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टी, तो 2 को कैंसिल हो जाएगा, तो यू अपॉन रूट टी हो जाएगा, यू अपॉन रूट टी फिर डी यू बाई डी एक्स हो जाएगा, ठीक है। तो यू यू बाई बाई कर दीजिए, यू बाई कितना है, यू बाई आपका एक्स स्क्वायर माइनस 2 हो जाएगा, और टी बाई क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 2 होल स्क्वायर, है ना। आई विल डी बाई डी एक्स ऑफ यू,
थ्री वैल्यू आपका एक्स स्क्वायर माइनस फोर थ्री एच 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 तो मार्ट हो जाएगा तो ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस टू और ए स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू इस एट पावर हाफ और क्या है ये मॉड ऑफ दिस है मॉड ऑफ दिस है इसके वैल्यू किसके बराबर होता है मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू है ना ये चीज आपका इस चीज को आप लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टू होल स्क्वायर ये लिख सकते हैं ना और रूट है इसलिए हाफ पावर लिख दिया मैंने तो कहने लगा अगर हमारे पास ये है तो इसके प्लेस ये लिख सकते हैं यहाँ चीज यहाँ लिख रहे हैं मॉड एक्स स्क्वायर माइनस टू लिख रहे हैं ठीक है अब इसका डिफरेंशिएशन कितना होगा टू एक्स होगा माइनस थ्री ये चीज यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी ये हो जाएगा आपका टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू ठीक है अपॉन मॉड एक्स स्क्वायर माइनस ठीक है ये आपका आंसर होगा फर्स्ट पार्ट अब देखिए सेकेंड पार्ट आ जाइए इसके पहले सेकेंड पार्ट खेल लेते हैं तो सेकेंड पार्ट देखिए सेकेंड पार्ट थर्ड एंड सेकेंड वाई को लिखना है मॉड थ्री एक्स रेज़ पावर फोर प्लस फाइव तो जो प्रिंसिपल हमने मॉड एक्स में लगाया था वही चीज यहाँ लगाएंगे तो क्या लिखेगा वाई को तो लिखेगा थ्री एक्स फोर फाइव फोर स्क्वायर ठीक है रूट ये चीज लिख सकते हैं ना तो ये हो जाएगा आपका थ्री एक्स रेज़ पावर फोर प्लस फाइव होल स्क्वायर रेज़ पावर हाफ है ना तो डी डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इसको हो जाएगा वन बाई टू बाहर कर दीजिए ठीक है चलिए यहाँ चेंज लगेगा तो डी बाई डी टी टी रेट फोर हाफ डी टी बाई डी एक्स तो टी की वैल्यू जो है हमने थ्री एक्स रेट फोर फोर प्लस फाइव लिख दिया फिर जगह वन बाई टू बाहर ले लिया मैंने टी वन बाई टू माइनस वन डी बाई डी एक्स ऑफ टी टी की वैल्यू क्या है थ्री एक्स फोर प्लस फाइव और ठीक है अब ये चीज क्या हो जाएगा वन अपॉन टू और यहाँ होल स्क्वायर वन बाई टू टी रेट फोर वन बाई टू होगा डी बाई डी यू स्क्वायर डी बाई डी एक्स ठीक है ये हो जाएगा वन बाई टू रूट टी ये हो गया टू यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू यू गुरु थ्री एक्स रेट फोर फोर प्लस फाइव तो टू से टू आपको कट जाएगा यू अपॉन रूट टी ठीक है ये जाएगा आपका ट्वेल्व एक्स क्यूब प्लस जीरो ना ये जाएगा आपका फोर्टी एट एक्स क्यूब अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ टी टी की वैल्यू फाइव करिए तो टी की वैल्यू कितना टी की वैल्यू ऑफ यहाँ स्क्वायर यहाँ स्क्वायर है तो कितना होगा यू स्क्वायर टू ही हो गया हाँ सही तो यहाँ स्क्वायर टू ही होगा सही ठीक है देखिए ये हमने इसका टू यू कर दिया और इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया हमने तो यू आ गया इसका ट्वेल्व एक्स रेट फॉर थ्री हो गया प्लस जीरो से भाई ये दो से दो काट दिए इसमें ठीक है ये क्या होगा फोर्टी एट फोर्टी एट एक्स क्यू अपॉन फोर्टी एट एक्स क्यू अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ कितना है थ्री एक्स रेज फॉर फोर प्लस फाइव होल स्क्वायर ठीक है ये हो जाएगा आपका फोर्टी एट एक्स रेज फॉर थ्री अपॉन मॉड थ्री एक्स रेज फॉर फोर प्लस फाइव ये आंसर तो डी बाई डी एक्स डी बाई डी एक्स और मॉड थ्री एक्स रेज फॉर फोर प्लस फाइव इक्वल टू फोर्टी एट एक्स क्यू अपॉन मॉड थ्री एक्स रेज फॉर फोर प्लस फाइव देखिए आंसर क्या है आंसर देखिए आंसर देखिए यार
है कितना है कितना है यहाँ पर ये U है एक्चुअली में और इसको हम फोर सर बोलते हैं तुम्हारे लिए क्या सेंस बट किसी चीज़ में तो U को ये और बैक कर देंगे तो स्टोरेज को जैसे मेंटेन करेगा और U को जैसे ये आपका ठीक है।